सूरत शहर में युवतीना इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स बाबते युवक ने हत्या। सूरत में हत्यानो सिलसिलो यथावत होय तेम वधु एक हत्यानो बनाव सामे आव्यो छे। सूरत में एक ज दिवस में त्रण हत्यानी घटना बनता कायदो अने व्यवस्था कथळती होय तेवी परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे। सूरत में हत्यानो सिलसिलो यथावत होय तेम फरी एक हत्या सामे आवी छे। सूरत में एक दिवस में त्रण हत्यानी घटना बनता कायदो अने व्यवस्था कथळती होय तेवी परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे। नानी नानी बाबतो हत्यामां परिणमी रही छे। तेवामां सूरतना वेड रोड खाते आवेली रूपल सोसायटीमां रहता जयदेव नामना 19 वर्षीय युवकनी चप्पूना घा मारी हत्या करी देवामां आवता चकचार मची जवा पामी हती। वेड रोडनी रूपल सोसायटीमां रहता जयदेव नामना युवानने तेना अन्य ग्रुपमां मित्रोने एक युवतीना इंस्टाग्राममां फॉलोवर्स वधारवा बाबते अगाउ तकरार थई हती। त्यारे युवतीए जयदेवने फॉलोवर्स वधारवानुं कह्युं हतुं, जेथी जयदेवे तेने मदद करता सामेना लोकोना ग्रुपना लोको रोषे भराया हता। जो के अगाउ आ मामलो शांत थयो हतो, त्यार बाद फरीथी आ मामलो उचकाता बे ग्रुप साम सामे आवी गया हता। ने गत रात्रिना समये हीरानु काम करतो जयदेव काम परथी आवीने जमीने बहार गयो हतो। आ दरमियान तेना सामेना ग्रुपना मित्रो दीपक अने पप्पू तेमना ग्रुप साथे आव्या हता ने जयदेवना मित्र सर्कल बन्ने वच्चे वातचीत चालती हती। आ दरमियान युवतीना इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स वधारवा बाबते पप्पू और दीपके जयदेव ने चप्पूना घा मारी दीधा था, जेथी जयदेव ने तात्कालिक हॉस्पिटल खसेड़वामां आव्यो हतो। जो कि चप्पूना घा मारी दीपक और पप्पू त्यांथी फरार थई गया हता, तो बीजी तरफ जयदेव ने टूंकी सारवार दरमियान मौत निपजू हतु। चौक बजार पुलिस हत्यानो गुनो नोंधी वधु तपास हाथ धरी छे। रामनगर जे बेडोट चौकी मां आवेल विस्तार छे त्यां गाड़ी फरियादी छे गौरव सोमा सावंत छे, एनो भाई छे जयदेव, एने अने एना जे सामाळा आ कामना आरोपी छे दीपक अने पप्पू जे प्रधान काठना छे जे ओडिशावासी छे, ए लोकोनुं आ जे जयदेव छे एनी एने एक छोकरी जे शीतल छे एना इंस्टाग्राममां कंईक फॉलोअर वधारवानी कंई बाबत हती, जे बाबते आ कामना आरोपीओ एनी जोड़े आवीने कंई मगजमारी करी हती। અને એની અદાવત રાખીને રાત્રે એટલે આજુબાજુ રાત્રે 1:30 વાગ્યાની આસપાસ બંને પક્ષો વચ્ચે મારામારી થઈ હતી, જેમાં જયદેવને સામાવાળા જે દીપક અને પપ્પુ છે છરીને ઘાવ મારેલા, આ જયદેવને 108માં હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા સિમેર હોસ્પિટલમાં। રાહુલ મકવાણા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત।